गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखो, रंग बिरंगा संसार क्यों कह रहा है ये? क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी अद्भुत घटनाएं होती हैं जो हमें देखने को मिलती है, जैसे तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है या आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखो कितनी अद्भुत घटनाएं हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, या लेकिन उनका प्रत्येक का होने का कोई ना कोई कारण है, तो वही कारण हमने इसमें जानना है। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई थी। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश का विक्षेपण, मतलब प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, और उसी पर आधारित था इंद्रधनुष का बनना कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा वायुमंडलीय अपवर्तन, और उसके ऊपर आधारित था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या कोई तारे की स्थिति अपनी वास्तविक स्थिति से अलग क्यों दिखाई देती है, या सूर्य हमें 2 मिनट पहले, उगने से 2 मिनट पहले और छिपने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई क्यों देता रहता है। तो इन सब चीज़ों का कारण हम जान चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परकिरणन। प्रकाश का परकिरणन का मतलब होता है, देखो हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, मतलब प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापिस आता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है, सतह बहुत बड़ी होती है जिससे प्रकाश टकरा कर वापिस आ सकता है। मतलब अगर कोई कण ऐसा है या कोई वस्तु ऐसी है जिसका साइज बहुत बड़ा है तो प्रकाश उससे टकरा कर वापिस आ जाएगा, लेकिन अगर कण का साइज छोटा है तो उस स्थिति में प्रकाश क्या करेगा, तो उस स्थिति में प्रकाश का उससे कण से टकरा कर बिखर जाएगा, मतलब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परकिरणन। मान लो जैसे ये कोई कण है और प्रकाश इससे टकराएगा तो टकरा कर प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परकिरणन। देखो, जब श्वेत प्रकाश सूर्य से आता है या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट, कोई लाइट का सोर्स है उससे कोई लाइट आएगी, वो भी श्वेत प्रकाश माना जाता है, तो वो श्वेत प्रकाश जब किसी कण पे गिरेगा, वो कण का साइज कितना है, उस कण के साइज पे निर्भर करेगा कि वह उसका परकिरणन करेगा कि नहीं करेगा। अगर उसका साइज अधिक है तो प्रकाश उससे टकरा कर हो सकता है कि परावर्तित हो जाए, लेकिन अगर उसका साइज छोटा है तो वो उसको परकिरणित कर देगा, मतलब अलग अलग दिशाओं में बिखेर देगा। अब प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि सूर्य के प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो उन 7 रंगों में कुछ रंग ऐसे हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, मतलब कुछ रंग अधिक तरंग दैर्ध्य के हैं और कुछ रंग कम तरंग दैर्ध्य के हैं। जैसे हमने पढ़ा था 7 रंग होते हैं उसमें, जिनके नाम है VIBGYOR, मतलब R से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो रेड है, रेड कलर जो होते हैं इसकी तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और ऑरेंज की उससे कम, फिर येलो की उससे कम, ऐसे नीचे जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ कम होती जाएगी नीचे जाएंगे तो। अब जो रंग अधिक तरंग दैर्ध्य का है, जब वो किसी कण से टकराता है तो इसका परकिरणन नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है। ये कह लो कि मान लो कोई मोटा व्यक्ति है, उसके सामने कोई चीज आएगी तो वो उसको उसके रास्ते से शायद ही विचलित कर पाए, मतलब उसको हटा पाए, वो तो सीधा चलता रहेगा और कण को ही एक तरफ हटा के सीधा निकल जाएगा। लेकिन जिसका वेट कम है, कोई व्यक्ति ऐसा जो कमजोर है, जो पतला है, जिसका वेट कम है, अगर वो चल रहा है तो अगर उसके सामने कोई आता है तो वो उससे टकरा कर थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाएगा, तो ये समझ लो उसका हो गया परकिरणन। ऐसे ही इसमें होता है, जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है इसकी ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण इसका परकिरणन बहुत कम होता है, जबकि जो नीचे रंग होते हैं वायलेट वगैरह, इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है तो इनका परकिरणन सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश के परकिरणन का मतलब मैंने बताया कि जो
वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, धूलकण है, पानी की बूंदें भी हैं, तो उनसे प्रकाश टकराएगा, तो वो प्रकाश टकरा कर उसका क्या होगा? अगर वो पार्टिकल बड़ा है, कण बड़ा है, तो वो उसे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा प्रकाश ही। देखो व्हाइट लाइट आई, ये कण अगर बड़ा है तो पूरा श्वेत प्रकाश आया तो पूरा का पूरा श्वेत प्रकाश ही बिखर जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर वो छोटा कण है तो ये श्वेत प्रकाश आया तो इसमें से सात रंगों में से जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, मतलब वो तो बिखर जाएगा, लेकिन जिनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी वो सीधा निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो कण के साइज पे निर्भर करता है, जो कण है वो कितना बड़ा है उस पर निर्भर करेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन कितना होगा या कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है, कण का साइज बड़ा है, तो पूरे के पूरे श्वेत प्रकाश का ही प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कण का साइज बहुत छोटा है तो उनमें तो श्वेत प्रकाश में से सात रंगों में से उस प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा जिसकी तरंगदैर्ध्य कम है, और जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक है वो ऐसे ही सीधा निकल जाता है। ठीक है भाई, ये बात समझ आएगी। जैसे बादल हमें सफेद क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि बादलों में पानी है, तो पानी जो है वो पूरे के पूरे श्वेत प्रकाश का ही प्रकीर्णन कर देगा, मतलब पूरा का पूरा श्वेत प्रकाश ही जब उन पे पड़ेगा तो पूरा का पूरा श्वेत प्रकाश ही बिखर जाएगा, वो श्वेत प्रकाश ही हमारी आंखों में पहुंचेगा उनसे टकरा कर, इसलिए हमें बादल सफेद व्हाइट दिखाई देते हैं। लेकिन आप कहोगे कि बादल तो काले भी दिखाई देते हैं। देखो जब बादल बहुत ज्यादा घने हो जाएंगे ना सघन, तो वो ऊपर वाले प्रकाश को अपने में से गुजरने ही नहीं देंगे, इसलिए हमें नीचे से बादल ब्लैक ही दिखाई देगा, काला ही दिखाई देगा। वो कब? जब बादल बहुत ज्यादा घने हो जाएंगे तो प्रकाश उसमें से क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, उस समय वो काला दिखाई देता है। नहीं तो जो अन्यथा हम देख रहे हैं इस समय, जब आकाश में बहुत ज्यादा बादल नहीं है तो उस टाइम अगर हम बादलों को देखते हैं तो वो सफेद दिखाई देते हैं। तो प्रकाश का धूलकणों, गैसों या जल की बूंदों से टकरा कर बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। ये तो होगी इसकी परिभाषा, क्योंकि पेपर में कई बार एक परिभाषा भी आ जाती है तो हमें एक सटीक परिभाषा लिखनी ही पड़ती है भाई। कई बार क्या होता है कि हमें कंसेप्ट समझ में तो आता है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है तो क्या करें कि जो एग्जामिनर होता है वो लिखी हुई बात को ही पढ़ता है और उसी के नंबर देता है। मान लो मुझे कोई बात समझ, मुझे किसी कंसेप्ट की पूरी समझ है, मुझे उसका पूरा नॉलेज है, लेकिन मैं उसको वर्ड्स में लिख नहीं पा रहा हूँ, एक प्रॉपर उसकी परिभाषा नहीं लिखी मैंने, तो क्या करेगा जो एग्जामिनर होगा? वो तो लिखे हुए को ही चेक करेगा ना, तो इसलिए नंबर नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको एक प्रॉपर परिभाषा, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखनी आनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो क्या है प्रकाश का धूलकणों, गैसों, जलीय, तो बात होगी भाई प्रकीर्णन कहलाता है। देखो पूरे के पूरे श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन भी हो जाएगा, अगर कोई कण बड़ा है तो पूरे के पूरे श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन अगर कण छोटा है तो उस श्वेत प्रकाश में से कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, तो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? देखो जो ये ऊपर वाले हैं, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है तो इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, न के बराबर। और जो ये नीचे होते हैं जैसे ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इनकी तरंग दैर्ध्य होती है कम, इसलिए इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो अब हम देखते हैं क्या, देखो अब प्रकाश के प्रकीर्णन पे ही निर्भर करता है क्या, टिंडल प्रभाव। अब ये टिंडल प्रभाव क्या है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं दिन में ही, दिन के समय में अगर हम अपने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दें और कहीं से खिड़की में कोई छेद रह जाए तो हमें उसमें से प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है और उसके अंदर धूल के कण कुछ नाचते हुए से दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, मतलब किसी उसमें भी तो धूलकण है, वो जो तैरते हुए दिखाई देते हैं वो धूलकण है, उन धूलकणों से टकरा कर ही वो प्रकाश बिखर गया है और हमारी आंखों में पहुंचा है, जिससे क्या हुआ उस प्रकाश का पथ हमें दिखाई देना शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, मतलब धूलकणों द्वारा, बात वही है, तो धूलकणों द्वारा प्रकाश को बिखेर देना, इधर उधर बिखेर देना, जिससे उसका रास्ता दिखाई देने लग जाए, उसका पथ विजिबल हो जाए, मतलब उसका पाथ विजिबल हो जाए,
तो उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव हम बंद कमरे में देख सकते हैं या फिर फॉरेस्ट में देख सकते हैं, जंगल में देख सकते हैं। कहाँ? जहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल होगा तो ऊपर जो पेड़ होंगे घने होंगे, उनकी टहनियाँ आपस में मिली होंगी, तो ऊपर से सुबह के टाइम अगर हम जाएं तो सूर्य की धूप जब ऊपर से आती है तो जो वहाँ पे मिस्ट होते हैं, मिस्ट मतलब जो थोड़ी बहुत जलवाष्प होते हैं, तो उनसे प्रकाश टकरा कर ऐसे ही बिखर जाएगा और हमें प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब उसका रास्ता दिखाई देगा कि जैसे प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया हमें, वही होता है टिंडल प्रभाव। ठीक है भाई, ये याद रखना। उसके बाद अगर हम सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम देखें, देखो सूर्य के प्रकाश का पैटर्न हमने पढ़ लिया क्या, कि भाई जब प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह सात रंगों में विभाजित हो जाता है। अगर हम इन सात रंगों का बैंड देखें, मतलब वर्णक्रम देखें, जिसको वो स्पेक्ट्रम बोलते हैं इंग्लिश में, ये होता है वर्णक्रम, मतलब रंगों को देखें ध्यान से, तो आप लोगों को उसमें दिखाई देगा कि उसमें रेडिश कलर का ज्यादा प्रभाव है, लाल रंग का ज्यादा प्रभाव होता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ देखोगे ना तो येलोइश कलर, सॉरी ब्लूइश कलर का ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है नीले रंग। हालांकि होते तो अलग अलग रंग है इसमें, लेकिन क्या होगा, जैसे ये लाल है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, तो इनका प्रभाव कैसा होगा, ये रेडिश, थोड़ा रेडिश ही दिखाई देगा तीनों का, क्योंकि ऑरेंज भी तो थोड़ा थोड़ा लाल जैसा ही है, फिर ये येलो भी उनके साथ मिक्स होकर थोड़ा रेडिश हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम इनका जो प्रभाव है ऊपर वाला का कैसा है, रेडिश है, और नीचे वाला का कैसा है, ब्लूइश है, ठीक है, नीला सा। अब होगा क्या, तो ये तो पढ़ चुके हम, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है लाल रंग की और इसकी सबसे कम होती है। 1859 में टिंडल ने बताया था कि श्वेत प्रकाश को अगर हम किसी विलयन से गुजारने की कोशिश करें, मान लो आपके पास कांच के ग्लास में कोई विलयन है और उसमें कोई ऐसी चीज हमने डाल दी जिसके पार्टिकल उसमें निकल जाए, जैसे कॉपर सल्फेट उसमें मिक्स कर दिया हमने, तो उसके पार्टिकल उसमें घूमते रहेंगे, तो जब सूर्य का प्रकाश उसमें से गुजरेगा उस कांच के ग्लास में से, तो हमें उसमें लाइट दिखाई देगी। कौन सी दिखाई देगी वो अलग बात है कि कौन से रंग की दिखाई देगी वो पार्टिकल के ऊपर निर्भर करेगा, कणों के साइज पर निर्भर करता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमें दिखाई देती है वो दिखाई देती है हमें नीली लाइट, नीला प्रकाश दिखाई देगा, मतलब विलयन हमें नीला सा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा वो अभी मैं बताता हूँ। तो 1859 में टिंडल ने ये बात बताई थी प्रकाश के प्रकीर्णन की, कि प्रकाश के प्रकीर्णन को देखा जा सकता है किसके द्वारा, कोई एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब आती है बात, देखो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, देखो आकाश का रंग नीला तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, लेकिन नीला ही क्यों दिखाई दिया, प्रकीर्णन तो किसी का भी हो सकता है, नीला क्यों दिखाई दे, देखो जब ये सूर्य है, सूर्य से जब प्रकाश नीचे की तरफ आता है तो ये श्वेत प्रकाश है, कैसा है, ये श्वेत प्रकाश है, और इस श्वेत प्रकाश में सभी रंग मिक्स हैं, श्वेत प्रकाश, तो ये तो सात रंगों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसके सामने कोई बड़ा पार्टिकल आ जाए, जैसे पानी की बूंद आ जाए, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, या भाप के कण इसमें आ जाएंगे, या फिर धूल कण इसके सामने आ जाएंगे, तो पूरे के पूरे श्वेत प्रकाश का ही प्रकीर्णन हो जाएगा, तो हमें आकाश सफेद दिखाई देगा, लेकिन हमें आकाश नीला दिखाई देता। क्योंकि वायुमंडल ज्यादातर किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है N2 नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है लगभग, तो उसमें नाइट्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु अत्यधिक मात्रा में है, तो ये अणु क्या कर सकते हैं, ये अणु पूरे के पूरे श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे, जैसे श्वेत प्रकाश आया यहाँ, ये अणु है किसके, अणु है नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, जब इनके श्वेत प्रकाश पड़ता है तो इसके अंदर जो सात रंग है, उन सात रंगों में से ये कुछ रंगों का प्रकीर्णन कर पाते हैं, कुछ का नहीं कर पाते, तो जिनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है ये उनका प्रकीर्णन नहीं कर पाएंगे, मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं कर पाते, ये किसका कर पाएंगे, ये ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य
कम होती है, रेड कलर से लगभग आधी तरंगदैर्ध्य होती है किसकी, ब्लू कलर की, इसलिए ब्लू रंग इधर उधर सभी जगह बिखर जाएगा आकाश में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ही नीला रंग बिखर जाएगा, नहीं, उसका कुछ भाग मतलब बिखर जाएगा और कुछ भाग साथ में नीचे भी आएगा, हमारी आंखों तक भी पहुंचता है, तो बाकी का जो रंग है वो हमारी आंखों में पहुंच जाएगा, ये जो बिखरा हुआ जो रंग है ये ऊपर बिखर जाएगा सभी जगह आकाश में, तो आकाश में नीचे से कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। ठीक है भाई, नीला दिखाई देने का कारण क्या बताया है मैंने कि जो वायुमंडलीय गैसें हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करती हैं, तो आकाश में नीला दिखाई देता है। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कम है। अब आप लोग कहोगे कि तरंगदैर्ध्य तो वायलेट की सबसे कम है, तो वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता, वो इसलिए भाई, क्यों, क्योंकि इन रंगों में जो नीला प्रकाश होता है, नीले प्रकाश की मात्रा अधिक होती है इनमें। अगर देखो जैसे मैंने अभी बताया कि जो ऊपर वाले कलर हैं इनका प्रभाव थोड़ा रेडिश सा है, हालांकि कलर अलग अलग है लेकिन इनका मिला जुला प्रभाव कैसा दिखाई देगा, रेडिश। ऐसे ही जो नीचे वाले कलर तो अलग अलग है लेकिन नीला रंग अधिक होने के कारण उनका प्रभाव कैसा है, थोड़ा नीला सा दिखाई देगा सभी का मिक्स होने के बाद। ठीक है, ब्लूइश इफेक्ट दिखाई देगा। एक तो कारण ये हो गया कि ब्लूइश इफेक्ट है तीनों का मिला जुला, हालांकि ऐसा नहीं है कि वायलेट का प्रकीर्णन नहीं होगा, वायलेट का भी होगा, इंडिगो का भी होगा और ब्लू का भी होगा, लेकिन इफेक्ट ब्लूइश होने के कारण पूरा का पूरा आकाश हमें नीला दिखाई देता है। दूसरा, हमारी आंखें नीले प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है। ठीक है, नीले प्रकाश को ज्यादा सेंस कर पाती है हमारी आंखें, इसलिए नीला प्रकाश अधिक पहुंचता आंखों में, तो आकाश में नीला ही दिखाई देता है। याद रखना ये था कारण किसका, आकाश के नीले होने का। अब प्रश्न आता है कि हमें सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सनराइज और सनसेट के समय हमें जो सन है वो रेड क्यों दिखाई देता है, मतलब रक्ताभ लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, कारण क्या है इसका। देखो, जब ये मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, ये इसका वायुमंडल है, तो एक बार सन यहाँ पे है और एक बार सन यहाँ पे है, ये बात होगी भाई। ठीक है, जब सूर्य छिपता है, जब होरिजन के नजदीक होता है, स्टीज के पास होता है, छिपते समय तो स्टीज के पास ही होता है ना, होरिजन के पास होगा, जब उसके नीचे चला जाएगा तो छिप जाएगा, जब यहाँ होता है तो सूर्य बिल्कुल दोपहर होती है हमारे सिर पे होता है, तो उस समय क्या होता है, तो सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है भाई, सूर्य तो हमें सफेद दिखाई देता है और यहाँ पे कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। कारण क्या है, कारण क्या है, देखो जब यहाँ से सूर्य की किरण चलती है तो और हमारी आंखों में पहुंचती है हम यहाँ है, और यहाँ से सूर्य की किरण चलती है तो हमारी आंखों में पहुंचती है हम यहाँ है। ठीक है भाई, ये दूसरी किरण है तो एक ही जगह पे हम यहाँ पे, तो यहाँ से सूर्य की किरण चली हमारे पास पहुंची, यहाँ से सूर्य की किरण चली हमारे पास पहुंची, जब ये सूर्य की किरण, सूर्य की श्वेत प्रकाश सूर्य से निकल कर जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो देखो इस बिंदु पे वो प्रवेश करेगा वायुमंडल में, तो उसको वायुमंडल की इतनी परत को पार करना है, देखो इतनी सारी ये परत को पार करना है, ये दूरी को, समझ में आई बात, ये कब, जब दोपहर में सूर्य हमारे सिर पे होता है, जब सूर्य छिपने वाला होता है तो जब इसकी प्रकाश की किरण चलती है तो उसको वायुमंडल की इतनी यहां से लेकर और यहां तक इतनी परत को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि जब सूर्य स्थिति के पास होता है तो उसको वायुमंडल की अधिक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब उसको वायुमंडल में प्रकाश की किरण को वायुमंडल में अधिक रहना पड़ेगा, उसको ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, देखो कितनी दूरी है और ये कितनी कम दूरी है। अब हम पढ़ चुके हैं कि वायुमंडलीय, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कण हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसमें उपस्थित कुछ रंगों का प्रकीर्णन कर देंगे, तो जब उसको इतनी ज्यादा दूरी तय करनी है तो उसमें जिन रंगों का प्रकीर्णन होना है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब किसका होगा, ब्लूइश कलर का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर का हो जाएगा, हो सकता है इतनी ज्यादा दूरी में तो ग्रीन का भी हो जाए, येलो का भी हो जाए, तो बच कौन से जाएंगे, जिनकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है सिर्फ वही बच जाएगा और वही हमारी आंखों में पहुंचेगा।
तो बच कौन सा गया? लाल रंग का। तो लाल रंग का रंग ही हमारी आंखों में पहुंचेगा, इसलिए हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई कि सूर्य छिपते समय या सूर्य उदय होते समय हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस समय सूर्य की किरणों को या श्वेत प्रकाश को वायुमंडल की एक मोटी परत को क्रॉस करना पड़ता है, उसको वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण उसके अधिकतम प्रकाश का, छोटी तरंग दैर्ध्य वाले सभी प्रकाशों का प्रकीर्णन हो जाता है और रह जाएगा सिर्फ अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो हमारी आंखों में पहुंचता है। और अधिक तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा है? रेड और ऑरेंज, इसलिए हमें वो रेड ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। जबकि दिन में जब सूर्य हमारी सिर पे होता है उस समय उसको वायुमंडल की एक छोटी परत को क्रॉस करना पड़ता है, तो प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को इतना समय ही नहीं मिला कि उसके रंगों का प्रकीर्णन हो पाए, तो सारा का सारा प्रकाश ही हमारी आंखों में पहुंच जाता है, इसलिए हमें जो सूर्य है वो कैसा सफेद दिखाई देता है, कब? दोपहर में। ठीक है भाई, बात समझ में आई। ये था कारण किसका, सूर्य के छिपते और उदय होते समय लाल दिखाई देने का कारण था। अब प्रश्न आता है कि क्या हम दिखा सकते हैं, क्या प्रकाश का प्रकीर्णन हम एक्सपेरिमेंट से दिखा सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है? उसके लिए हमें चाहिए एक सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जहां से लाइट पैदा हुई ऐसी कोई चीज, जैसे आपके पास कोई बल्ब है, ये बल्ब ले लिया, तो ये बल्ब ले लिया, इसके सामने अब ये बल्ब क्या करेगा, ये तो भाई प्रकाश तो पैदा करेगा ही, तो ये बल्ब ले लिया भाई सोर्स ऑफ लाइट, इसने किरणें बनाई, ये पैदा की। इस बल्ब को हमने कहां रखा? हमने एक उत्तल लेंस ले लिया, इस उत्तल लेंस के फोकस पे हमने इसको रख दिया, इस बल्ब को हमने इस लेंस के फोकस पे रख दिया। और हम ये पढ़ चुके हैं, जब हम किसी वस्तु को रखते हैं फोकस पे तो उससे निकलने वाली किरणें इस लेंस से टकरा कर कैसी हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी। तो जब ये इससे टकराएगी ऐसे, तो ये तो सीधी हो जाएगी और ये तो सीधी चली जाएगी, और ये जब इससे टकराएगी तो ये भी सीधी हो जाएगी, तो हमें किरणों का एक किरण पुंज प्राप्त हो जाएगा, एक बिल्कुल सीधा किरण पुंज प्राप्त हो जाएगा। अब इसके सामने हम क्या करेंगे, इसके सामने हमने रख दिया भी एक कांच के गिलास में पानी रख दिया, क्लियर वाटर, बिल्कुल साफ डिस्टिल्ड वाटर, ये रख दिया भी। और इसके सामने हमने रख दिया एक गत्ता, ये गत्ते में हमने कर दिया एक छेद, इससे क्या होगा, जब ये सारी प्रकाश की किरणें इसमें से आएंगी ऐसे, ये इस प्रकार बहुत सारी आएंगी, तो इस प्रकार, तो कुछ किरणें इससे टकरा कर इस गत्ते से पीछे रह जाएंगी और हमें प्राप्त होगा किरणों का एक छोटा किरण पुंज प्राप्त होगा, जो सिर्फ इस गत्ते के इस छेद में से निकलेगा, इसमें खोल कर दिया हमने गत्ते में गोल गोल सा पूरा सा, और उसमें से जो किरणें निकल के आएंगी, अब ये इससे क्या होगा, इससे हमें किरणों का एक किरण पुंज प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं है कि ये दूर दूर नहीं होंगे, ये भी दूर दूर है। अब इसके सामने अगर हम दोबारा से एक उत्तल लेंस रख दे, तो ये उत्तल लेंस क्या करेगा, इनको एक बिंदु पे केंद्रित कर देगा, और इसके सामने हमने रख दिया एक स्क्रीन, तो ये सारा का सारा प्रकाश हमें इस स्क्रीन पे प्राप्त होगा। अगर हमने इस विलयन में कुछ भी नहीं डाला, वाटर है इसमें सिर्फ क्लियर वाटर, तो हमें यहाँ पे एक स्पॉट दिखाई देगी लाइट की, व्हाइट लाइट की एक बिंदु दिखाई देगा श्वेत प्रकाश का। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि प्रकाश यहाँ से चल के आया, इनमें से क्रॉस करता है, बीच में कुछ है नहीं, तो सीधा सा, और यहाँ से इतना सा छेद था उसमें, तो हमें एक स्पॉट ही दिखाई देगी। अब अगर हम इस पानी में कुछ ऐसे कण मिला दें जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सके, मतलब इसमें हमने मिला दिया भाई सोडियम थायोसल्फेट मिला दिया, सोडियम थायोसल्फेट, और साथ में मिला दिया इसमें H2SO4। ये क्यों मिलाया? क्योंकि ये मिलाने से इसमें ना सल्फर के कण पैदा हो जाएंगे। ठीक है, विलयन में सल्फर के कण पैदा हो गए। अब जैसे ही प्रकाश इन कणों से टकराएगा तो प्रकाश का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, और जिनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक, तो जब
ये काम हम करेंगे, जब इसमें ये मिक्स करेंगे तो ये जो विलयन है हमें नीला सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इससे पता चलता है कि इस विलयन में नीले रंग का परकिरण सबसे अधिक हुआ है। और यहाँ पे जो हमें दिखाई देगी, जो स्पॉट दिखाई देगी इस स्क्रीन पे, वो हमें दिखाई देगी रेड रेड ऑरेंज, मतलब लाल रंग की और ऑरेंज रंग की स्पॉट दिखाई देगी। मतलब उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि बाकी के सभी रंगों का लगभग पीछे परकिरण हो चुका है और जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्रकाश यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ तक जो पहुंचा है इसका मतलब उसका परकिरण नहीं हुआ है। और हमें रंग कैसा दिखाई दिया, तो स्पॉट जो दिखाई थी वो तो लाल रंग की दिखाई थी, इसका मतलब है लाल रंग का परकिरण नहीं हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये साबित कर सकते हैं कि नीले रंग का परकिरण सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये विलयन नीले रंग का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें मिला दिया सोडियम थायोसल्फेट और H2SO4, जिससे सल्फर के अणु इसमें निकलते हैं। ठीक है, वो सल्फर के अणु क्या करेंगे, प्रकाश का परकिरण कर देंगे और ये विलयन हो जाएगा नीला, जिससे साबित होता है कि नीले रंग का परकिरण सबसे अधिक होता है। ठीक है भाई, तो ये थे आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोगों की समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा से ये करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।